देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर सेवसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, खबर सेवसी न्यूज चैनल में विशाल पटेल के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है। ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोला। बताते चले कि सीतापुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचे और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा तंज कसा। आइए देखते हैं सीतापुर से पुनीत यादव की यह रिपोर्ट। सीतापुर के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद सिद्धार्थनाथ ने अग्रसेन भवन में राष्ट्रीय एकता अभियान गोष्ठी में प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय गुप्ता सहित विधायक मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने SBSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला बोला। राजभर के गुंडे वाले बयान पर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, आपको अपने ऊपर गर्व है कि वह गुंडे हैं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई ऐसा नेता हो जो कह रहा हो कि वह अपने नेता नहीं गुंडा है तो उसका हर्ष होगा। अपने आप को गुंडा मानते हैं। वही शाहजहांपुर कांड में ओम प्रकाश राजभर द्वारा किए गए भाजपा पर हमले को लेकर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, जब पढ़ लिख कर नहीं आते तो राजभर जैसे नेता पैदा होते हैं। वहाँ से विधायक महेंद्र यादव जी, हरगांव सुरेश राही जी, रामकृष्ण भार्गव जी मिश्रिक से, वो जब भी मुझे मिलते हैं असेंबली में तो याद दिला देते हैं कि सीतापुर को आप नहीं भूल सकते, तो मैं कहता कभी नहीं भूलूँगा। हमारे बीच में दिनेश तिवारी जी, चार धारा बनी हुई है, क्योंकि वही परिवार आज भी कांग्रेस में बैठा हुआ है। तो परिवार जब है तो दूसरे लोग जो है वो विरोध करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, तो इसलिए वो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आज भी वो वैसी चीज़ करते हैं जिसका पाकिस्तान फ़ायदा उठाता है। तो ये तो कांग्रेस को समझना चाहिए और देश की जनता को समझ ही रही है। जैसा कि आपने कहा कि POK का जब तक कश्मीर में विलय नहीं होगा तब तक पूर्ण विलय नहीं माना जाएगा। POK जो है वो भारत का अंग है और यही सही बात है। 1935 से आप जो इतिहास पढ़ेंगे जम्मू और कश्मीर का, उसके अंदर ये भारत का अंग है, तो ये पाकिस्तान का नहीं है, तो वो भारत का अंग है। उसको भी जिस तरह से है उसका भी हम लोग अपने पास उसको उसका विलय करेंगे और समय देखते हुए देश को भरोसा है कि उसका विलय जरूर होगा। मंत्री जी, जो काम मोदी जी ने किया है इसको आज तक की 70 साल की सरकारें क्यों नहीं कर पाई थी? क्योंकि जो एक इच्छा शक्ति होती है, जो देशभक्ति होती है, जो सिद्धांत होते हैं, विचारधाराएँ होती हैं, उस पर लोग खड़े नहीं हो सकते। और एक ही विचारधारा है, वो राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनके लीडर और उनके कार्यकर्ता खड़े हैं, इसलिए इतना बड़ा निर्णय।